हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हमें कौन मिली है सरप्राइज भाई? मैंने किस चाचा को नहीं पता मैं मीटिंग फिर हम इस इंसान से मिल रहे हैं। एक तो बैठ रहा मैं व्लॉग में बना के मुझे गया तू व्लॉग मत कर राहत। सो गाइस, हमारा ये टूर है लाइक अगर कोई गुड़गांव से नोएडा जा रहा हो। सो गाइस, यहाँ से मैं जा रही थी स्टेयर केस से और मेरे फ्रेंड्स आ रहे थे एक्सलेटर से, तो हम लोग देख रहे थे कौन सबसे पहले आता है एंड वही पहले तो मैं आई। यस, सुबह सुबह एमआईटी आना पड़ रहा है। मेरी क्लासेस जैसे 11 बजे थी पर इनकी वजह से हम आए हैं, एमआईटी विड्रॉल लेने आया। तो हम आते शुरू हो जाते हैं अपना मेकअप वेकअप करने। गर्मी तो बहुत थी पर यहाँ पर। सो गाइस, हम इतना थक के फोर्थ फ्लोर आए हैं और यहाँ पे हमारी क्लासेस होती है। मतलब दिस इज द थिंग, मतलब क्या बताओ। फैकल्टी बनती कैसा लग रहा है? कुछ बोलना चाहोगी मेरे व्यूवर्स को? एमआईटी विड्रॉल कैसे विड्रॉल लेने आई है? हाँ, ये झूठ बोल रही, गालियां मत देना, सब मुझे गालियां देंगे। गाइस, मैं एक इंसान की वजह से आज जल्दी आई हूँ एंड दैट इज द गर्ल सिटिंग बिहाइंड। क्या मिल जाती है पर आज मुझे उम्मीद नहीं है। उम्मीद पे तो दुनिया का आया, मैं इतनी धूप में हम लोग जा रहे हैं। आई से आर कह रही हूँ अरारा। गाइस, अमेठी का कुत्ता है शेर, मैंने हाँ। और अब हम मिलने जा रहे हैं अपने डेढ़ा फ्रेंड से, डेढ़ू से। कैंसिल हो जाता है वो तो पता है मुझे, 5 दिन। सो गाइस, ये है हमारी लाइब्रेरी, आप देख सकते हैं इतनी बढ़िया। और इतनी परेशान है, इसी कोई हद नहीं है। फाइल लेके फैकल्टी बनने की कोशिश कर रही है विशाली, आदित्य टूमर, शिपाली राय ज़्यादा। इफ़ यू आर वॉचिंग ब्लॉग इस कॉन्टेंट, आज मूड कोर्ट में जाना है हमें क्लासेस के लिए, बट हम नहीं जा रहे बिकॉज हमें नहीं जाना। गाइज, हमारी क्लास जल्दी ख़त्म हो बस। और गाइज, हमें ना बोला था कि आपको मूड कोर्ट में बैठना अगर आपको अटेंडेंस चाहिए लास्ट क्लास की। तो यहाँ पे कुछ लीगल एड का चल रहा था, क्लिनिकल लीगल एजुकेशन के बारे में, और हम 3 लोग ही थे यहाँ पे और कोई भी नहीं था। मतलब ये था हाल। फ़ोन करना क्या कर रही है तू खड़ी? सो गाइज, ये अब जा रही है हमारे एचओडी के पास, एडिशनल एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास, और हम उनके ऑफिस में गए हैं और पता नहीं अब इसको मिलेगा विड्रॉल या क्या ही होगा। सो गाइज, हम जिस काम के लिए आए थे वो एक्चुअली मैडम का हो नहीं पाया, ऑनलाइन आएगा सब कुछ। मतलब लिटरली सुबह 7 बजे से उठ के फिर 8 बजे आओ, ऊपर से एचओडी बोल रहे हमारे ऑनलाइन आएगा, और अगर बच्चे का डिसीजन बदल गया तो माँ बाप खड़े हो गए भाई। मतलब इतनी पक्षोदी क्यों ही करते हो, निकलना कॉलेज से खुशी खुशी निकालो ना। है रे विशाली, क्या है तेरे को एमआईटी छोड़ना क्यों, जरा बता दे। ऐसे ही बाहर भाई, उसके हेल्थ इश्यूज है इसलिए वो एमआईटी छोड़ रही है। मेरे को बाहर जाना है, फॉरेन जाना है। और इसको फॉरेन जाना है, 1 साल के बाद इसको रियलाइज हुआ कि इसको फॉरेन जाना है। कोई नहीं, देखते आगे क्या होता है। लिफ्ट में चलते हुए वाला वाला वो बनाना चाहिए। जैसे लिफ्ट में ना बहुत ज्यादा वो लगती है डर, अब ऊपर जाना है डर के आगे जीत है। देख कैसे। तो गाइस, ये सबसे टफ स्टेशन है हॉर्स पास का, मतलब यहाँ पे चलते चलते इंसान मर भी सकता है। इससे बढ़िया तो गाड़ी आती है, हॉर्स पास में चलेगी हॉर्स कर गाइस, गाड़ी से जैसे मैं सिर्फ आई हूँ। अच्छे अच्छे से दिखा दे, मैं इसकी वजह से सिर्फ मेट्रो में ही, वरना मैं जाती हूँ कैब में, आप लोगों को पता है। कैब में तो गाड़ी में जाती, बट भाई अभी
इतनी बड़ी गाड़ी कैसे चलाऊँ मैं, वो भी गुड़गांव दिल्ली के ट्रैफिक में बिल्कुल नहीं। विशाल अपने एक्सपीरियंस बताओ मेट्रो में, आप जापान से आई हो, बहुत गंदा इतनी गर्मी में मेट्रो नहीं चलती। अरे बहुत फास्टेस्ट चलती है वहाँ पे, यहाँ पे बहुत स्लो चलती, तो देख लो इसको यहाँ पे ठीक से आपको पूछना, तो घर जाना है मेरे मालवे नगर, पापा है मालवे नगर बैठे हैं और अब जा रही है। सैड लाइफ खुशहाली मत जाओ, क्यों सैड लाइफ फ्रेंड है तो इतने सारे फ्रेंड्स हैं, अबे सब यही बोलते हैं इतने सारे फ्रेंड्स हैं बट पूरे दिन उनके साथ थोड़ी रहती हूँ, कोई बात नहीं मिलते रहेंगे आज ही रहेंगे। ये ना झूठी औरत है, हमें ठीक मेरा मिल जाए, आपको ध्यान से देख लो उसकी शक्ल फाइल लेके भाई मेरे को लगा ले चलती हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूछ, पर हमारे ना वहाँ पे एक बहुत चपरासी है, नाम नहीं ले सकती, वो इतनी चपरासी है कि उसको पता नहीं कैसे फैकल्टी बना रखा है, फैकल्टी भी नहीं है उसको, एक कमरा डाल रखा है चेयर और टेबल डाल के, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहुंच चुके आप देख सकते हैं गर्मी में, अपने दोस्तों का वेट कर रहे हैं, पिस ऑफ होगी बेचारी। और आज का दिन ऐसा ही था गाइस, और अगर आगे बाकी कुछ कवर होगा दिखाते हैं, वरना इसके बाद ब्लॉग का एंड करेंगे हम सिंपल, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। सो वैशाली अब जा रही है, आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है यार, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, चल मेरे को वहाँ तक छोड़, मैंने छोड़ी नहीं आई थी, बदतमीज हूँ मैं, मेरे देखो पता है ना क्या हुआ है, बार भी आई थी छोड़ने तो आई थी, छोड़ देना तुझे पता है ना मुझे क्या हुआ है, तुझे जो हुआ है मुझे पता है, बस मैं नहीं कर सकती यार, मैं कैसे जाऊंगी वहां से अकेले, तेरा वो दोस्त भी नहीं आ रहा, इतना ढीठ कौन होता है। तो भाई चलो कुछ व्लॉग के लिए बोल दो लोगों को, सब्सक्राइब सब्सक्राइब के लिए क्या बोलूं, सब्सक्राइब एंड ऑल जने गाइज, ये बोलूँगी कि बहुत अमेजिंग है, इसके व्लॉग्स देखा करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बस यही होता है। मेरे बारे में कुछ बताओ भाई, भाई ये बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है, आपका सहारा बनी हुई कॉलेज में। हाँ भाई एक साल हम मिले थे, फोर्थ आई गेस 4th of November को, 14 का तेरा बर्थडे था, हाँ तो हम नवम्बर दिसंबर जनवरी और अभी तक भी साथ है, होप सो आगे भी कनेक्टेड रहेंगे, तो बाय बाय। भाई बहुत थकावट हो चुकी है, ऊपर से इतना दिमाग खराब हो रहा है आज, फक अप हो रहा है कसम से, गर्मी ने फक अप कर दिया, फक अप गाइस मैं अप कॉल से आई हूं। अरे सुन ना तेरी वो कौन है, वो कह रहा था एक दोस्त है, तू कहती सुक्का उक्का खिलाएगा उसके साथ, तुम लगा तो गाइस विशाली फाइनली जा रही है, विशाली गाइस फाइनली मैं अपने घर जा रही हूँ, घर क्या घर आ गई हूँ, अब मैं अब घर एंट्री ले रही हूँ, और मेरे को इतना हुआ है ना मैं बता नहीं सकती क्या चीज़ हुई है ऑब्वियसली, बट बहुत गंदी चीज़ हुई है, डिस्क्लोज नहीं कर सकती, दैट्स समथिंग वेरी पर्सनल टू माय हेल्थ, हेल्थ की भी बात नहीं है, मैं अलग ऐसी चीज़ हुई है जो मैं एक्सप्लेन नहीं। सो होप सो गाइस आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड गाइज आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, हम सुबह 8 बजे से कॉलेज जा रखे थे, एंड मैंने आपको अपनी दोस्त से मिलवा दिया, और यस ये स्केड्यूल था।